अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं कि हमारे देखने वाले जहाँ भी होंगे खैर होंगे। तो एक नए ब्लॉग में हाजिर हैं, ये फूड चैलेंज ब्लॉग है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने कुछ खीरे के स्लाइस रखे हुए हैं। तो आज का होने वाला फूड चैलेंज जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था हैदर और रहील के बीच में, तो इनमें से जो हारेगा उसकी सज़ा मुझे आप कमेंट में बताइएगा, तो वो मैं उनको सजा दूंगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप खीरे के स्लाइस हैं। तो इन खीरे के स्लाइस करने में क्या करना है मैं आपको बता दूँ। इन्होंने एक खीरा उठाना और खाना है, फिर दूसरा हाथ नहीं लगाना, इन्होंने अपने मुँह से उठाना है। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा चैलेंज। तैयार हो भाई? यस। चलो भाई तैयार रहने का शुरू करें, शुरू करते हैं। चल ठीक है, शुरू करते हैं। तो भाई तैयार हो? 1 2 3 गो स्टार्ट। एक अपनी जबान से एक खाना, जिसने पहले खत्म कर लिया उसको इनाम दे। एक एक करके तो सामने देखो, एक एक करके जल्दी करो, जल्दी जल्दी जल्दी, स्पीड स्पीड। पहले एक खाना सारे करते नहीं खाने, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी जल्दी। और ये तो प्लेट में मुँह मार गया, तो खाओ और जल्दी खाओ, जल्दी खाओ, टाइम थोड़ा सा रह गया, जल्दी करो जल्दी करो। मुझे लगता है कि हैदर हारेगा, जिसने खा लिया ऊपर हार करके ताड़ी मारेगा। भाई रहील ने प्लेट खत्म कर दी, अभी एक मिनट भी नहीं हुआ इसने प्लेट खत्म कर दी। कितने हैदर ने? 9 स्लाइस थे हैदर ने, यहाँ पे कितने बचाए? 1 2 3। तो हैदर ने भाई 3 स्लाइस बचाए और रहील ने सारे ने खा लिए इसने 9 के। उम्र सारी के 9। अभी आप टाइम देख लेना, आपने अभी एक मिनट ही नहीं, जल्दी जल्दी खीरे सारे खत्म कर लिए। एक मिनट से पहले से पूरी प्लेट चट कर दी है। हाँ तो हैदर क्या हुआ, क्या ना मेरे साथ चीटिंग हुई जाते है सब? क्या चीटिंग हुई बता? मेरे साथ ने चीटिंग, इसने ऐसे खाया, मैंने हाथ बांध कर। हाँ ये भाई चीटिंग थी, इसने रहील ने खीरे इस तरह खा दे और रहील ने इस तरह खा दे, हैदर ने इस तरह। तो अब आपने फैसला करना है कि कौन जीतेगा। इधर कालू, छोटे कालू आया। हाँ कालू इधर आओ। तो बाकी के ये जो स्लाइस बच्चे हैं, ये हैदर तो खा नहीं सका, ये खाएगी, एक अनिका खाएगी और एक खाएगा कालू। तो और हैदर तो भाई हार गया, अब कह रहा है चीटिंग कर रहे, इसने चीटिंग की है, अब भाई गुस्सा हो गया। तो भाई हैदर हार गए, सब गुस्सा चल गया। तो भाई कैसा लग रहा है जीत के? वेलकम, इधर बताओ इसमें। वेलकम टू, कह रहा वेलकम टू, इसका मतलब भी बता दे, वेलकम टू का मतलब क्या है? ये भाई मैं जीत गया हूँ। अच्छा इसके मतलब है भाई ये जीत गया है भाई, बड़ी अच्छी इसकी इंग्लिश है। तो भाई यहाँ पे हैदर हार गया, इसका मुंह देख लो किस तरह हो गया हारने के बाद। अनिका मजा आया? तो यहाँ पे जो हैदर की सजा है, हैदर तो हार गया चैलेंज में। तो नेक्स्ट चैलेंज में देखते हैं जो नई वीडियोस आएंगी, उनमें जो बारे फूड चैलेंज की वीडियो होगी उसमें देखते हैं हैदर जीतता है कि रहील जीतता है। तो हैदर जीतेगा नेक्स्ट फूड वीडियो में। मैं साथ पे माने तो मैं जीत जाता, इन पीछे हाथ बनते, मेरी प्लेट यूं यूं जाती थी। ये कह रहा भाई मेरी प्लेट यूं यूं जाती थी, इसने बेईमानी की है, बताओ। कह रहा मेरी प्लेट यूं यूं जाती थी, इसने ऐसे हाथ रख लिया। तो यार जैसे से हो रहील, तो भाई फूड चैलेंज जीत गया। हाँ तू बोल। मैंने जैसे मर्जी जीतना था वैसे मैं जीतना है, जैसे ये जीतना। हाँ इसने हाथ नहीं लगाया, इसने अपना दिमाग का इस्तेमाल किया, इसने अपने मुंह से खाया, इसने हाथ इसने पीछे कर लिया, उसने वहाँ से टैच किया, ऐसे मुंह आने लग गया। तो जो हैदर की सजा होगी वो आपने कौन बताना है। अगर इसको लाल मिर्च खिलाने वो मुझे बताइएगा, सब्ज मिर्च खिलाने वो, जो आप सजा कहें वो मैं इसे दूंगा। तो रहील का इनाम मैं दूंगा बाद में, वीडियो के एंड में दूंगा इसका जवाब। तो आपको आज का ये फूड चैलेंज मेरा कैसा लगा, उम्मीद करता हूँ पसंद आया। भाई आपको प्लेट रख दे, पसंद आया था। मिलते हैं किसी नेक्स्ट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। तो बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।